Assalamu alaikum and a very good morning to each and every one of you. Right now it's about 3 a.m. in the morning and it's just about Sehri time. तो मेरे जहन में कुछ आ रहा था तो मैंने कहा आप लोगों से जिक्र करूँ उस चीज़ का. Since there are a lot of people on my list that are either students or young professionals or budding entrepreneurs or even teachers and professors as well. तो एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसको मैं यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि लर्निंग कैसे की जाए, कोई भी चीज़ याद कैसे रखी जाए. हाउ एग्जैक्टली वी कैन लर्न समथिंग, लेट इट बी अ डॉक्यूमेंट, लेट इट बी अ कोर्स, लेट इट बी अबाउट अ सब्जेक्ट, आप उसको याद कैसे करेंगे. तो उसको याद रखने का जो तरीका है वो कुछ ऐसा है कि देर इज़ अ ब्रेन कोच, हिज नेम इज़ जिम क्विक. आप चाहें तो उसको गूगल कर सकते हैं. जिम क्विक ये कहता है कि यू हैव टू हैव दीज फोर लेटर्स इन योर माइंड फास्ट, FAST, फास्ट. फास्ट का जो एलिमेंट है ये आपने जहन में रखना है. अब वॉट डज फास्ट स्टैंड फॉर, फास्ट है क्या चीज़. तो F, सबसे पहले हम F की बात करते हैं. F स्टैंड्स फॉर फॉरगेट. जब आप कोई चीज़ पढ़ने बैठे हैं, कोई चीज़ लर्निंग के लिए बैठे हैं, तो आप उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन, आप ये समझ लेंगे आपको कुछ पता ही नहीं है. You have no idea whatsoever about the subject and you are just learning something absolutely new. So forget about everything, forget about what you know about the product, about the course, about the documents, about anything. Usse hota kya hai ki aapko curiosity jo hai wo jagti hai. Jab aap curious hote hain kisi cheez ke liye to aapki jo attention hai wo badh jati hai. Kaise, wo main aapko aage chal ke bataunga. To pehli cheez to ye hai ki forget about everything. Aapne bhul jana hai, just forget about it. Next, FA stands for active. ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है. हमारे जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर पैसिव लर्निंग होती है. टीचर आके लेक्चर देता है, बच्चा सुनता है, नोट्स बनाता है, या पता नहीं बनाता है कि नहीं बनाता है, आई डोंट नो. मैं अक्सर कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि स्टूडेंट्स को एक टैलेंट आ जाता है और वो ये कि दे कैन एक्चुअली स्लीप विद देयर आइज ओपन, लिटरली. Anyways, conversation kahan se kahan chali jayegi. To kehne ka maqsad ye, pehli cheez to ho gayi, forget about everything. Number two is active learning. So you need to actively take part in the learning process. Theek hai, aap koi cheez padh rahe hain to aapne apni jo mental capacity hai usko active rakhna hai. Theek hai, passive nahi rakhna hai. Agar aap learning kar rahe hain class ke andar, class mein teacher padha raha hai, ask questions. Throw questions to the teacher. Why is it, jo bhi aap baat kar rahe hain, iske piche reason kya hai? Kyun hai aisa? The question needs to be answered, and the more questions you ask, the more learning will take place. So active learning. Number third is S. S stands for state. State ka kya matlab hai ki aap curious hain, khush hain, udaas hain, jhinjhilaye hue hain, agitated hain. To aapne state ko jo hai na wo positive rakhna hai. अब आपने स्टेट के अंदर जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था क्यूरोसिटी, तो आपने क्यूरियोसिटी को जो है अपनी उस, जब आप लर्निंग कैपेसिटी के अंदर आते हैं तो आपने अपने आप को क्यूरियस रखना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर क्यूरियस अबाउट द सब्जेक्ट, यू वांट टू नो अबाउट द सब्जेक्ट, यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट. सो दैट्स समथिंग विच नीड्स टू बी डन एज वेल. एंड नंबर फोर्थ विच इज़ टी. टी स्टैंड्स फॉर टीच. कहते हैं जब आपको, मेरे वालिद अक्सर कहते हैं मुझसे कि पढ़ाने से पढ़ना आता है. तो अगर आपने कोई चीज़ समझनी है, अगर आपने कोई चीज़ याद रखनी है, उसको आप किसी को पढ़ाएं, किसी को समझाएं, यकीन करें वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाएगी. और एक और चीज़ जो उसमें बताई थी, जिम क्विक ने ही बताई थी, वो ये कि जब आप इंफॉर्मेशन को इमोशन के साथ अटैच कर देते हैं तो दैट विल बिकम अ लाइफ लॉन्ग मेमोरी. ठीक है, तो दैट्स हाउ यू बेसिकली लर्न एनी थिंग थ्रू फॉलोइंग दीज फोर एलिमेंट्स विच इज़ FAST. I hope you like the video. If you do, kindly drop me a like and share it with your friends as well. Thank you. Allah Hafiz.